देखिए बच्चों, ये नोटिफिकेशन निकला है आरआरबी रिक्रूटमेंट 2018 का, ग्रुप डी का है और इसमें 62,907 पोस्ट हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये काफी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से, बहुत दिन बाद आया है। इतनी सारी भर्तियां हैं, यानी कि 62,907 पोस्ट हैं। और देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स क्या है। रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है ये 10 फरवरी को निकला है। ऑनलाइन जो रेलवे की साइट है उससे फॉर्म इसके भरे जा सकते हैं, indianrailways.gov.in, राइट। और कब तक भरे जा सकते हैं, ये 12 मार्च 2018 तक भरे जा सकते हैं। इसका जो टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, राइट। और वो ड्यूरिंग अप्रैल और मई 2018 तक होगा, यानी कि आपके पास काफी समय भी है, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसीज 62,907, जैसा मैंने आपको बताया, और ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इससे आप फर्दर डिटेल्स इसकी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए रेलवे जो ग्रुप डी में जो पोस्ट इंक्लूड हैं वो कौन कौन सी हैं, केबिन मैन, ट्रैक मैन, लेबर मैन, पॉइंट्स मैन, हेल्पर, स्टोर के मैन, सटर, वेल्डर, फिटर, पोल्टर, हेल्पर, यानी कि गैंगमैन, स्विचमैन एक्सेट्रा, यानी कि ये सारी पोस्ट हैं जो कि ग्रुप डी में आती हैं, फिटर, वेल्डर, ये सब। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मानिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, यानी कि 10th क्लास पास आप होने चाहिए, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, राइट। अगर आप 10th पास हैं तो इस ग्रुप डी की भर्ती को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेके 31, बहुत बड़ा एक स्पेन टाइम पीरियड आपको दे दिया है कि 18 से 31 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है, राइट। और जैसे भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा। एप्लीकेशन की जो फीस जाएगी इसमें, जो पे आपको मिलेगा 18,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जो भी अलाउंसेस होंगे वो आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए 500 जाएगी, एससी एसटी वुमेन के लिए इनके लिए 250 जाएगी। एग्जाम का पैटर्न देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है एग्जाम का पैटर्न। अगर आपका एग्जाम का पैटर्न आप वाले कंपटीशन से मैच करता है तो काफ़ी आपको हेल्प होती है एग्जाम को क्रैक करने में। तो बच्चों मैं क्यों आपको इसको भरने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आप अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इवन ग्रेजुएशन के बाद तो कोई भी टेस्ट का आप सिलेबस देखेंगे, चाहे वो एफ कैट का हो, सी डी एस का हो, तो आप देखेंगे कि उसमें एलिमेंट्री मैथ्स आती है। तो उसमें एक तो एलिमेंट्री मैथ्स आएगी, जी के आएगी, रीजनिंग आएगी। तो देखें एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये दो स्टेजेज में होगा। वन इज सीबीटी, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय फिजिकल डिसेबिलिटी क्राइटेरियम, यानी कि पीईटी उसके बाद होगा फिजिकल का। तो देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए, तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है। और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में। सेकेंड स्टेज है जब आप सीबीटी कर लेंगे, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें पास हो जाएंगे। इसके बारे में आपको मैं और ज़्यादा विस्तृत रूप से बता देता हूँ, बिकॉज मेन तो ये टेस्ट क्रैक करना ही है इसमें। इसके बाद इसका पीईटी, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, नेसेसरी है पास कर। तो बच्चों ये फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है इसको सेकेंड स्टेज में पास करना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए और पहले इसकी इंपॉर्टेंट चीज ले लेते हैं, बाद बाकी का फिर मैं इसके रिटर्न के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। पीईटी फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर विमेन कैंडिडेट्स, देखिए इनके लिए क्या है। मेल कैंडिडेट्स 35 किलोग्राम वजन को 100 मीटर की डिस्टेंस तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए 2 मिनट में, राइट। और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर वो 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा कर ले, तब तो वो फिजिकली फिट है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ रेलवे, अदरवाइज नहीं, राइट। फीमेल के लिए यही वजन 20 किलोग्राम है, 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में, और इनके लिए थोड़ा टाइम में भी रिलैक्स है। इनके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट और 40 सेकंड में एक चांस में, ऐसा नहीं कि आप वेट को ड्रॉप कर दें, एक बार में इकट्ठा ले जा सकते हैं। यानी नेगेटिव मार्किंग मैंने कहा सीबीटी में 1/3 मार्क्स की होगी, तो पहले से ही आप देख लीजिएगा कि भाई नेगेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जो नहीं आते हैं आपको। और ये डिटेल है इन वैकेंसीज की, राइट। डिफरेंट डिफरेंट जो आरआरबी हैं उनके हिसाब से ये डिटेल्स हैं। इसके बाद
रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैंने आपको बताया, सबसे पहले होगा सीबीटी रिटन टेस्ट, और उसका सिलेबस इस प्रकार से है। रिटन टेस्ट के देखिए सिलेबस में वही सारी चीजें हैं जो नॉन टेक्निकल में आप पढ़ते हैं। आप जो एसएससी के लिए पढ़ते हैं, वो जो बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं, तो बच्चों रेलवे के लिए इससे कुछ जुदा नहीं पढ़ना है, अलग नहीं पढ़ना है, वही सारी चीजें आपको काम आती है। वही आपका नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सिंपल टेक्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, पाइप्स एंड पिस्टन्स, ये सब आपको पढ़ना है। ये सारी नॉन टेक्निकल की पढ़ाई है। इसको आप ग्रुप वाई में भी पढ़ते हैं, राइट? इसको आप सीडीएसई के लिए भी पढ़ते हैं, और इसको आप एसएससी बैंकिंग के लिए तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो रेलवे में कोई अलग पढ़ाई नहीं है, केवल यही टॉपिक्स आपके टेस्ट होंगे। तो इनको थोड़ा सा और अच्छे से टेस्ट कर लीजिएगा। और जो ऑनलाइन होगा, इसीलिए मैंने कहा कि रेलवे के भी ऑनलाइन टेस्ट मौजूद हैं, जिनका कि मैं आपको असेस दे चुका हूँ, राइट? तो रेलवे के आप जाइए test.ndca.in पर, तो उसमें एसएससी बैंकिंग के साथ साथ इसमें मैंने आपको रेलवे टेस्ट के लिए भी असेस दिया है। तो आप एक बार देख लीजिए टेस्ट देके कि कितना आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, राइट? थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रेलवे के उसमें दे रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रेस पेपर्स में भी समाहित हैं। तो इस पे जाके आप ऑनलाइन अपना टेस्ट देके देख सकते हैं, अगर आपने ये लिया हुआ है लॉगिन तो। इसके अलावा देखिए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी आप पढ़ते हुए हैं, एनालॉजी, अल्फाबेटिक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिम्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन डेटा सफिशियंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशंस। ये जो बच्चे चीजें हैं ना, क्रिटिकल रीजनिंग की आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशंस हुआ, आपका डिसीजन मेकिंग हुई, कंक्लूजन निकालना हुआ, ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट रहता है, राइट? तो बैंकिंग में काफी पूछा जाता है, एसएससी में नहीं पूछा जाता ज्यादातर, और इस एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नया टॉपिक नहीं है। जनरल साइंस में द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th लेवल, 10th स्टैंडर्ड तक। 10th का मतलब ये नहीं कि आप 10th का ही केवल पढ़े, 10th की आपने बायोलॉजी की किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दी, आपको 6th से लेके 10th, तो 6th टू 10th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आप कर जाएंगे, तो इसका एक क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो जनरल साइंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम इट जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आप पूरे साल के देख जाइएगा, मैंने आपको शायद व्हाट्सएप भी कर दिए होंगे। तो करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। जनरल अवेयरनेस में मेन जो इम्फेसिस रहेगा वो आपने देखा कि हिस्ट्री का कहीं नामो निशान नहीं है इसमें, लेकिन पर्सनलिटीज और कल्चर की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? तो जो करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट? तो दो दो चार चार लाइन के जो मैंने आपको ये बुक दी है, थोड़ा सा इसको रट जाना। इसमें काफ़ी जनरल स्टडीज की में बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी बहुत शॉर्ट रूप में दे रखे हैं। इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, बुक्स से रिलेटेड भी हैं, अवार्ड्स से रिलेटेड भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी हैं। तो इस बुक को आप थोड़ा सा रट जाना जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सिमिलरली एक मैंने आपको बुक की है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, राइट? तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक में सारे के सारे ये सेक्शंस हैं जो आपके आ जाएंगे, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इवन डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल टेक्नोमेट्री एंड लॉगरिथम्स। तो कम से कम ये जो मैंने बुक दी है उसको तो आप कर ही जाइए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये न केवल एक वाई के लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल ये सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एसएससी रेलवे की भी तैयारी आपकी पैरेलल चल रही है, राइट? सिमिलरली मैंने रीजनिंग की बुक दी है, देखिए उसमें सारे टॉपिक्स हैं। आपने देखा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट नया नहीं है, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंसेस, ये सारे टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग के भी मैंने आपको पहले से ही दे रखे हैं। आपका बेसिक काम होना चाहिए इन बेसिक की तीनों बुकों को रट जाए, राइट? और जब आप बेसिक कर जाते हैं, यानी कि अब ये बेसिक बुकलेट्स आपको आ जाती हैं, उसके बाद एडवांस पे जाइए और इन सबको छोड़ दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट के गए जमाने, अब सीधा आप ऑनलाइन टेस्ट पे आइए। तो रेलवे के लिए सब दो चीजें आप एसेंशियल हैं, एक तो बेसिक बुकलेट आप कर जाइए और दूसरा आप ऑनलाइन टेस्ट कर जाइए।
बाद बाकी का ये जो तैयारी है आपकी, जो कि आप नॉन टेक्निकल का पढ़ते हैं, अभी जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तब आप देखेंगे कि यही तैयारी आपको एसएससी के लिए करनी पड़ेगी, यही तैयारी आपको एफकैट के लिए करनी पड़ेगी, यही तैयारी आपको सीडीएसई के लिए करनी पड़ेगी। तो बेसिकली चार बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अगर ये चारों स्तंभ आपके पक्के हैं तो आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करने से कोई नहीं रोका जा सकता। अगर इवन आप कोई वैसे भी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं प्राइवेट के लिए, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट में यही काम आते हैं। तो इन सेक्शंस को थोड़ा सा आप पक्का कर लीजिए, रेलवे में आपका पक्का क्रैक करने की संभावना बनी रहेगी। राइट बच्चों, सेकेंडली हमने इसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, और इस ऑनलाइन कोर्स की जो रेलवे का कोर्स है ये स्पेशली, इसकी कॉस्ट केवल 3500 रुपये रखी है। तो जो भी आपके मित्र या फिर कोई भी इंटरेस्टेड इसको लेने में हो वो ले सकते हैं। इसमें हम आपको बुकलेट भी देंगे 4-5, और उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर्स भी प्रोवाइड होंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें समाहित हैं इस 3500 रुपये में केवल। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके नियर एंड डियर, तो आप इस कोर्स के बारे में उनको जरूर बताइए। राइट, तो दिस इज द प्रोसेस कि वो अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, इसमें उसकी फिर रसीद मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और इस नंबर पर व्हाट्सअप से कम्युनिकेट आप कर सकते हैं मुझसे। तो मैं समझता हूं कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वाई शुड ऑल्सो फिल अप दिस फॉर्म। राइट, आप ये फॉर्म भरिए, जरूरी है भरना, आपकी नॉलेज भी टेस्ट होगी इस बारे में। ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे बच्चे होंगे सर हम ग्रुप डी में नहीं जाना चाहते, हमारी इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया रेलवे में जाके। लेकिन बच्चों गवर्नमेंट जॉब तो एक तो मिलना काफ़ी कठिन है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने पैरों पर स्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप अपना वहाँ उद्धार करते रहिए, प्रमोशन लेते रहिए, जितना आप अच्छा इवन आईएएस भी बन सकते हैं, आप अलग से तैयारी कर लीजिए। सेक्शंस आपके हैं यही, आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है वो बढ़ जाएगा, जनरल स्टडीज आपकी काफ़ी वाइड हो जाएगी, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी काफ़ी वास्ट हो जाएगी, करंट अफेयर्स को आपको देखना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ये एनवायरमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो वहाँ जाके आप कुछ भी बन जाए, लेकिन एक किक स्टार्ट तो आपको चाहिए ना कि भाई मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, घर वालों से कम नहीं ले रहा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी इज्जत से लगा के मत देखिए। और फिर भी अगर आप इज्जत से लगा के देखते हैं तो आप सोचिए कि आपको कम से कम ये पता चल जाएगा ना कितने पानी में ग्रुप डी का आप टेस्ट निकाल पाते हैं या नहीं। तो जो बहुत ज्यादा ऊपर सोचे हुए हैं भले ही इसको ज्वाइन ना करें, कम से कम क्रैक तो करें। गेटिंग माय पॉइंट, तो आप क्रैक कर पाते हैं या नहीं ये आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है। तो ग्रुप डी की भर्ती है, अगर इसको भी नहीं क्रैक कर पाए तो, और आप सपने कुछ आगे के देख रहे हो, तो ये चीज संभव नहीं। जो भी छोटे छोटे टेस्ट मिले, जिनके भी पेपर्स मिले, आप लगाइए, सॉल्व करिए, यही सारा कोर्स है। राइट, फॉर्म भर दीजिएगा, 62,907 है, बहुत बम्पर वैकेंसी है। राइट, बम्पर भर्ती जिसको बोलते हैं, जो रेलवे ने आपको प्रोवाइड की है। और टाउट, फ्रॉडों से सावधान रहना, जैसे जैसे भर्तियां आती हैं वैसे वैसे नए नए फ्रॉड उगाते हैं। आपके गांव में कहेगा अरे मेरी रेलवे में जुगाड़ है, मोदी सरकार है, किसी की कोई जुगाड़ नहीं है, सब जुगाड़ उखाड़ देगा मोदी, एक रुपया कहीं नहीं चलने वाला, किसी के चक्कर मत फंस जाना दलाल के, क्योंकि जैसे जैसे ये भर्तियां आती हैं वैसे वैसे चीजें कठिनाई बढ़ती जाती है। पहले थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा वीक था, लेकिन मोदी के आने से सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में तो आप सचिए कि बहुत आफत आ रही है। राइट, कोई जुगाड़ नहीं चल रही, तो किसी दलाल के चक्कर में फंसे नहीं, ज्यादा हार्ड टेस्ट नहीं है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। केवल ये 4 सेक्शंस हैं जो मैंने बुकलेट बताई है, उनको ढंग से कर जाइए, एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। अगर उस लेवल पे आपने कर लिया तो फिर मैं नहीं समझता कि आपका कोई कंपटीशन रह जाएगा। ग्रुप डी की तो बात छोड़ो, आप एसएससी भी क्लियर कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि कैसे भी करके बेसिक बुक्स उल्टा दें। 50-50 क्वेश्चन ही तो हैं एक टॉपिक के, मैंने कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको 10,000 क्वेश्चन की कोई बुक बना के दे दी है, मैं कोई 5,000 क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूँ आपको भाई। अगर 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक पर 50-50 या 45 क्वेश्चन है, तो 450 क्वेश्चन ही तो आपको करने काफी है। एक टॉपिक से 45 टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं, टाइम एंड वर्क है, उसमें 45 टाइप के कौन से क्वेश्चन बनाओगे। तो इसीलिए कहीं कोई मार्केट में लिख रहा हो नहीं 10,000 की बुक लेनी है और 7,000 क्वेश्चन इसमें है, 5,000 क्वेश्चन है, कहां का अपना टाइम वेस्ट मत करो।
ज्यादा नॉलेज भी खतरनाक होती है, ठीक है। और जहां तक जीके का बात है, एक सोर्स को लो और उसका मल्टीपल रिवीजन करो। आपने मान लिया एनसीईआरटी से पढ़ लिया, तो उस एनसीईआरटी को ही दोहरा जाओ। ऐसा नहीं कि साहब एनसीईआरटी खाली पड़ी है, अब कोई लूसेंटी पढ़ ले। लूसेंट वूसेंट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक कोई प्रेफर करो और उस पर भरोसा रखो, मैं ये बुक दे रहा हूँ, आप बस फिर उस बुक को ही पढ़ जाओ। और ऐसा नहीं है कि अब सर बुक तो मैंने पढ़ ली कि एक बार लूसेंट पढ़ ले, नहीं, इसी का मल्टीपल रिविजन करो। एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया तो एनसीईआरटी का ही आप मल्टीपल रिविजन करो, कोई लूसेंट वूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कोई बुक लो और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तो काफी आसान होगा कंप्लीशन को क्रैक करना, राइट।